नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जिस मासूम बिटिया के साथ जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उसको पकड़ लिया गया है, उसको सरकार कठोर से कठोर दंड देने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस घटना को हर घंटे की स्थिति मालूम कर रहे थे। इस तरह के अपराधी समाज में रहने लायक नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरता दंड मिले इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। उज्जैन में जिसने अचंभ जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।